नाज़रीन आप देख रहे हैं पिंडी न्यूज़ और मैं हूं मंजूर हुसैन सैयद। नाज़रीन सबसे पहले पिंडी न्यूज़ की तरफ से तमाम अहले वतन को साल 2023 की ढेरों खुशियां मुबारक हो। नाज़रीन इस वक्त हम मौजूद हैं बैरिया टाउन फेज़ 8 रावलपिंडी में, जहां पे साले नौ की भरपूर इस्तकबाल किया गया शानदार आतिशबाजी के साथ। तो आइए यहाँ पर हम मौजूद शुरका से बात भी करते हैं और यहाँ के आपको मनाज़र भी दिखाते हैं। अस्सलाम। आपका नाम? मेरा नाम इजाज़ अहमद है। अच्छा इजाज़ साहब, ये बताइएगा कि आप आज यहाँ क्या करने आए हैं? मैं आज 2023 हैप्पी न्यू ईयर है, इसको मैं इंजॉय करने आया हूँ। बहुत मज़ा आ रहा है, बहुत खुला गुला कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा इधर यहाँ पे पटाखे वगैरह लोगों ने बजाए हैं, बहुत मज़ा आ रहा है। तो साल 2022 आपका कैसा गुजरा है? देखा जाए कि हर साल की तरह ही अच्छा गुजरा है। कोई चीज़ें हमने बहुत सी अच्छा भी टाइम हमारा गुजरा है, बुरा भी टाइम गुजरा है, लेकिन हमने पीछे नहीं देखना, हमने आगे देखना है। तो साल 2023 से क्या उम्मीद रखते हैं आप? इंशाल्लाह ताला, जैसे देखा जाए पिछले सालों में बहुत सी गलतियां हुई हैं, कुछ करना है 2023 में, उन सब गलतियों से हमने कुछ सीखा है और इंशाल्लाह ताला उम्मीद करेंगे आइंदा वो गलतियाँ ना हों। बहुत शुक्रिया। ओके सर, थैंक यू जी। नाज़रीन इस वक्त मेरे साथ दो प्यारे प्यारे बच्चे मौजूद हैं, तो आइए उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम बेटा। अस्सलाम वालेकुम। क्या नाम है आपका? अली हसन। कहाँ से आए हो? हम लोग इधर सेक्टर सी से आए हैं। सेक्टर सी से। तो आज यहाँ क्या करने आए हो आप? हम लोग यहाँ पर फायरवर्क्स सीखने आए हैं। तो ये फायरवर्क्स किस खुशी में की गई है? ये न्यू ईयर की खुशी में की गई है। तो आप क्या कहते हैं 2023 का जो साल आएगा तो कैसा होगा? अच्छा होगा, ऐसी बात है, और ये जो बीमारियाँ थी ये नहीं आएंगी, और बस यही कह सकते हैं। और क्या कह? तो आपके साथ स्कूल में पढ़ते हो? जी स्कूल में। कौन सी क्लास में? फाइव क्लास में। भाई मैं तो आपका कोई बेस्ट फ्रेंड है स्कूल में? जी। तो उसको कोई पैगाम देंगे आप? अरे पैगाम तो नहीं, बस स्कूल जाते तो पैगाम सारे दे देते। चले बहुत शुक्रिया। वेलकम। अस्सलाम वालेकुम। जी वस्सलाम। सर आपका नाम? जी राजा उमर। उमर साहब कहाँ से आए आप? मैं आया हूँ जी हार्ले स्ट्रीट से। हार्ले स्ट्रीट से। अच्छा ये बताएं कि साल 2022 आपका कैसा गुजरा है? जी अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा गुजरा है, पर्सनल तौर पे पूछें तो अच्छा गुजरा है, लेकिन आप अगर मुल्की हिसाब से पूछें तो अच्छा नहीं गुजरा। हमारे मुल्क को और पूरी दुनिया को बहुत ज़्यादा चैलेंजेस फेस करने पड़े 2022 में। इकॉनमी के क्राइसिस थे, पॉलिटिकल क्राइसिस, ओवरऑल मुल्क के हालात के हिसाब से कहूँ तो अच्छा नहीं गुजरा। साल 2023 से क्या उम्मीद रखते हैं? अच्छी उम्मीदें, उम्मीद करता हूँ इलेक्शन हो जाए ताकि मुल्क स्टेबल हो। इकॉनमी हमारी बहुत ख़राब है, तो उम्मीद अच्छे की रखते हैं, तो देखें अल्लाह पाक खैरियत करे। साल 2023 में जो नए ये गवर्नमेंट, मौजूदा गवर्नमेंट, ऐसे कोई तवक्कुआत है आपकी? सर जी मैं आपको टू बी वेरी ऑनेस्ट ये बताऊँगा, मेरा ताल्लुक पाकिस्तान तरीके इंसाफ से, तो इमरान खान साहब का हम सपोर्ट करते हैं। तो अभी मेरे ख्याल से अभी जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम मुझे नज़र आ रही है, पॉलिटिकल में भी नॉलेज रखता हूँ, कि आपस में ना बैठने के लिए कोई तैयार नहीं है। तो ये जब तक ये लोग आपस में बैठ के बात नहीं करेंगे, कोई भी मुल्क के मसले हल नहीं होंगे, क्योंकि इस मुल्क के मसाइल का हल इसी में है कि पोलिटिकल स्टेबिलिटी हो। 5 साल गवर्नमेंट टेन्योर रेगुलर बेसिस पे चलेगा, उसी से कारोबारी बंदों का भी एतमाद बहाल होगा और मतलब हर किसी को कॉन्फिडेंस होगा। अगर इसी तरह 1-2 साल के लिए टेन्योर तोड़ते गए ना, किसी भी गवर्नमेंट हो, लेकिन रेगुलर तसलसल से गवर्नमेंट का चलना बहुत ज़रूरी है। अगर ऐसे ही चलता रहा तो मुल्क, इन लोगों के तो सियासत सबकी जमती रहेगी, मेरी गवर्नमेंट के समेत, लेकिन मुल्क को बहुत सख्त नुकसान होगा। लेकिन पहले भी तो 2013 वाले 2008 से लेके 2018 तक 5-5 साल दोनों पार्टियों ने हुकूमत की है, तो उनके दौर में भी तो कोई ख़ास तरक्की तो नहीं हुई।
उनके दौर में तरक्की ना होने की वजह यह है कि अपोजिशन नहीं थी। खान साहब को एक क्रेडिट जाता है कि अपोजिशन बहुत स्ट्रॉन्ग करते हैं, मतलब किसी को कहना नहीं पड़ता, किसी एक बंदे ने भी कहा कि सॉफ्ट अपोजिशन है। खान साहब की एक अच्छी बात है कि बहुत स्ट्रॉन्ग अपोजिशन करते हैं कि 13 पार्टियां मिल के भी ना वो जो खान साहब की अपोजिशन है उसका मुकाबला नहीं कर पा रही। तो उनके दौर में ये था कि 5 साल आप लगाएं 5 साल हम लगाएं, तो ये थोड़ा सा डिफरेंस हो। आप इश्यूज पे ना इश्यूज पे आप पॉलिटिक्स करें कि जो मेन मेन अवाम के इश्यूज हैं उनको आप रिजॉल्व कराने की कोशिश करें तो मसले सॉर्ट हो जाते हैं। लेकिन इन दोनों ने कहा कि 5 साल आप पूरे कर लें 5 हम कर लेते हैं, तो ऐसे मुल्क नहीं चलते, ऐसे निज़ाम नहीं चलते। नए साल में आप किसी को कोई पैगाम देना चाहेंगे? जी मैं अपने पाकिस्तान के अवाम को पैगाम यही देना चाहूँगा कि हम हालात देखते रहते हैं, क्योंकि हमारे दोस्त उहदों पर भी हैं, मैं हालात देखते रहता हूँ। कोई किसी की ज़मीनों पर कब्जे करके बैठा हुआ है, कोई किसी का हक खा रहा है, कोई रिश्वत खा रहा है, तो मेरी ये कोशिश है कि इंसानों के काम आए, इंसानों के लिए आसानियाँ पैदा करें, अल्लाह ताला आपके लिए आसानियाँ पैदा करें, बस खुदा की मखलूक का ख्याल रखें, आपके हालात जो हैं वो खुद ब खुद ठीक हो जाए। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम जी। नाज़रीन इस वक्त हमारे साथ हमारे को एंकर सैयद खुर्रम अली मौजूद है, तो आइए उसको देते हैं माइक, वो आगे बात करेंगे। ये नहीं जी खुर्रम साहब जी, अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम जी, आप कहाँ से आए हैं? ये गुलिस्तान कॉलोनी रावलपिंडी से। अच्छा माशाल्लाह, किस लिए आए थे सर? यहाँ ये न्यू ईयर की आतिशबाजी देखने के लिए, बड़ा मजा आया है। अच्छा, हमेशा हर साल होनी चाहिए यहाँ पे। ठीक है, तो आपका क्या ख्याल है कि पिछला साल आपका कैसा गुजरा और आने वाला साल उसके बारे में क्या उम्मीद रखते हैं? पिछला साल ही माशाल्लाह बड़ा अच्छा गुजरा, बड़े अच्छे दिन देखे हमने। अगला साल से अपनी दुआ करते हैं कि सबके लिए अच्छा हो, सब अच्छे साल भी आ जा रहे हैं, बाकी हैप्पी न्यू ईयर सबके लिए। तो यहाँ आप अकेले आए हैं, फैमिली के साथ आए हैं या फ्रेंड्स के साथ आए हैं? अच्छा, तो आप अभी क्या आने वाले साल के लिए क्या पैगाम देना चाहेंगे? मैं आने वाले साल की ये पैगाम देना चाहता हूँ कि सब खुश रहें, मजे में रहें, बस हैप्पी न्यू ईयर। थैंक यू। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं? क्या नाम है आपका? मोमिन। अच्छा मोमिन भाई, मोमिन भाई माशाल्लाह, मैं कहाँ से आया? हम सियालकोट से। अच्छा माशाल्लाह, बड़ी दूर से आए हैं आप, तो यहाँ पर किस सिलसिले में आए थे आप? फायरवर्क देखने आए थे। अच्छा माशाल्लाह, तो कैसा लगा? बेहतरीन, तो मजा आया। क्या आप कहते हैं कि आपका जो पिछला साल गुजरा है उसमें आप कैसे गुजरे, कैसे आपने गुजारा, और आने वाले साल के बारे में आप क्या उम्मीद रखते हैं? जो गुजर गया बेहतरीन था, जो आएगा वो बेहतरीन होगा, यही कह सकते हैं। अच्छा, कोई पैगाम देना चाहेंगे? बस जो मोमेंट होता है उसको जीना चाहिए, अगर आप छोड़ देंगे तो आपके। थैंक यू। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम सर जी। सर क्या नाम है आपका? फाहिद सर। अच्छा माशाल्लाह, तो भजन आप इधर किस सिलसिले में आ जाते हैं? मैं तो यहाँ पे न्यू ईयर जो है ना नाइट मनाने के लिए आया हूँ, तो काफ़ी एंट्रेंस का भी खुश हूँ यहाँ पे और बहुत मज़ा आ गया। माशाल्लाह, कहाँ से आए हैं आप? मैं तो बेसिकली यहाँ पे रहता हूँ, लेकिन हम लोग को जो बेसरी है ना वो सवाबी है। अच्छा अच्छा, तो आप बताएंगे कि आपने जो गुजरा हुआ साल है इसके बारे में कुछ, और जो आने वाला साल है उसके बारे में क्या सोच रखते हैं? इंशाल्लाह नेक ख्वाहिशात आने वाले करे और दुआ करे कि हमारा मुल्क जो है ना जो आजकल सिचुएशन बुरा हालात में चल रहे, इससे निकल कर अच्छे साल करे, नए जो है ना दुआ करे कि नया साल अच्छी तरह गुजरे। और ये जो मौजूदा हालात चल रहे हैं माशियत के बारे में, जो मुल्की हालात चल रहे हैं इनके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? माशियत हालात तो आजकल बहुत टफ जा रहे हैं, बहुत ज़्यादा ख़राब है। इंशाल्लाह दुआ के नेक्स्ट साल जो है ना अच्छा गुजरे इंशाल्लाह। तो कोई पैगाम देना चाहेंगे आप मुल्क पाकिस्तान के लिए? जी बिल्कुल ज़रूर, क्योंकि हम लोग सारे जो है ना उसको रिक्वेस्ट कर रहे हुकूमत को कि अपना जो है ना ये मसले हल करे, के जो मुल्क है जो लास्ट ईयर जो 4-5 महीने से जो हालात चल रहे हैं ना बहुत ज़्यादा ख़राब है, स्पेशली अभी जो दिसंबर चालू होगा या नवंबर, इसमें बहुत ज़्यादा टफ हुए, और दुआ करें कि नेक्स्ट साल जो है ना ये मसले ख़त्म हो जाए और नया हुकूमत आ जाए और ये मसले जो है ना ख़त्म हो जाए। थैंक यू। यू वेलकम सर। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी भाई, क्या नाम है आपका? अली रज़ा। अच्छा अली रज़ा भाई, माशाल्लाह किधर आप आए हुए हैं आज, क्या किस लिए आए हुए हैं? बस हम न्यू ईयर का थोड़ा एंजॉय करने के लिए इधर स्टैचू ऑफ द लिबर्टी आए थे, तो बहुत मज़ा आया, और आपसे मुलाकात करने के लिए हमने बोला है चलें आपसे थोड़ी देर मुलाकात कर लेते हैं। अच्छा, तो क्या आप कहेंगे आप गुजरे हुए साल के बारे में और आने वाले साल के बारे में, कि क्या आपकी राय है, क्या ख्याल है आपका? हम ये बोलना चाहते हैं ये इम्पोर्टेंट हुकूमत ख़त्म की जाए और ये इमरान खान को लाया जाए, क्योंकि जब से इम्पोर्टेंट हुकूमत आई है
तब से सारे मुल्क का सत्यानाश हो गया है। तो लिहाजा इमरान खान को ले आए वापस, तो ये सारा इंशाल्लाह ठीक हो जाएगा। तो और कोई पैगाम देना चाहेंगे? नहीं जी, थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। क्या नाम है भाई आपका? मेरा नाम मलिक अबुज़ार। मलिक हमजा साहब, सुनाएं आप माशाल्लाह आज किधर घूम फिर रहे हैं, किधर आए हुए हैं? ठीक, अल्लाह का शुक्र जी, आज हम आए हुए थे हैप्पी न्यू ईयर मनाने, बहुत मज़ा आया इधर जी, बड़ा माहौल था। हम आए हैं तलगांग से आए हैं और बड़ा अच्छा जी हमें माहौल में ले आ गए। और कोई पैगाम देना चाहेंगे? पैगाम यही देना चाहते हैं कि ये जिसकी अब हुकूमत चल रही है ये बिल्कुल सही नहीं चल रही, इमरान खान को लाया जाए कि मुल्क के थोड़े हालात सही हों जी, नहीं तो ऐसे ही रहा तो फिर तो कोई हालात सही होने की उम्मीद नहीं है जी। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। क्या नाम है आपका? अफाक अहमद तलहा। अफाक अहमद तलहा साहब, कहाँ से आए हैं आप? मैं तो हूँ सवाबी का, लेकिन इधर मैं पढ़ रहा हूँ इस्लामाबाद में, सीए कर रहा हूँ मैं। अच्छा अच्छा, तो आज किस लिए आए हुए थे इधर? आज बस दोस्तों के साथ इधर हैप्पी न्यू ईयर मनाए हुए थे बहरिया टाउन में, तो अच्छा खासा मज़ा आया, फायर वर्क भी आया बहुत, वो तो आला था ना, तो मज़ा भी आया, इंजॉय भी किया बहुत यहाँ पे। और ये मौजूदा हालात के बारे में आप क्या राय देंगे? देख एज ए स्टूडेंट मेरा कंसेप्ट ये है कि आई हेट पॉलिटिशियन एंड हाई पॉलिटिक्स। अच्छा, कोई पैगाम देना चाहेंगे? बस पैगाम यही है मेरे हम वतनों को कि खुश रहे और न्यू ईयर आप सब के लिए खुशियाँ लाए और बस खुश रहा करें हमेशा। थैंक यू। थैंक यू सर जी। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। कहाँ से आए हैं भैया आप? जी मैं इस्लामाबाद के रिहायशी हूँ, रियल स्टेट से मेरा वाबस्ता है, और अभी यहाँ पे 2023 न्यू ईयर 2023 को हम वेलकम करते हैं और अल्लाह ताला से हम दुआ गो हैं कि इस 2023 में पाकिस्तान को बहुत तरक्की दे, और इंशाल्लाह पाकिस्तान को मैं पैगाम दूंगा कि आपस में प्यार और मोहब्बत बांटो। ये 2023 का नया साल एक ज़िंदगी का, अल्लाह ताला ने हमें एक नया साल ज़िंदगी में दिया, तो बस यही कहना चाहता हूँ। थैंक यू सर। शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम सर। क्या नाम है भाई आपका? चौधरी गुफरान जी। चौधरी गुफरान साहब, कहाँ से आए आप? जी हम DHA2 से आए हैं। और यहाँ क्या करने आए थे? यहाँ बस वैसे इंजॉयमेंट करने आए थे। अच्छा अच्छा, आज किस लिए आए हुए थे, क्या मकसद था आपका आने का? मकसद तो कुछ भी नहीं था, बस फ्रेंड्स कह रहे थे कि स्टैचू लिबर्टी जाएंगे थोड़ा सा इंजॉयमेंट करने। अच्छा, तो कोई पैगाम देना चाहेंगे? पैगाम यही हो दे सकते हैं, जिस तरह 2022 गया अल्लाह के हुक्म से, इसी तरह 2023 भी चला जाए अल्लाह के हुक्म से, अच्छी तरह चला जाए। इसमें नुकसान बहुत सारे हुए हैं 2022 में, महंगाई बहुत हुई है, अब देखते हैं 2023, कल पहली तारीख चलेगी, कल देखते हैं अब कल से क्या रूटीन होती है। अभी तो 2023 चढ़ा भी नहीं है तो रोटी पहले से उनने 20 रुपए की पतीली कर दिया है, अब देखते हैं अल्लाह के हुक्म से क्या होता है, अल्लाह करके सही चले 2023। चले जी, अल्लाह पाक मुल्क पाकिस्तान के लिए बेहतर हमारे। थैंक यू। थैंक यू सर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, क्या हाल है? ठीक ठाक। क्या नाम है आपका? मेरा अहमद नाम है, अहमद नवाज। अहमद नवाज भाई, कहाँ से आए हैं सर आप? मैं इधर बैरिया टाउन का रहायशी हूँ। अच्छा अच्छा, तो आज माशाल्लाह किस सिलसिले में आए हुए थे? ये न्यू ईयर की इंजॉयमेंट के लिए आए हैं। अच्छा अच्छा, तो कोई आप पैगाम देना चाहेंगे? पैगाम यही है कि मुल्क मुश्किल में है और अल्लाह करेगा कि नया साल चढ़ेगा तो कोई अच्छी खबरें आएंगी और इक्तिसादी तौर पर हम लोग मजबूत होंगे, दुआ है पाकिस्तान के लिए। आमीन जी। थैंक यू। मैं बहुत शुक्रिया आप। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। क्या नाम है आपका? बिलाल। बिलाल भाई, कहाँ से आए हैं आप? मैं वैसे तो फैसलाबाद से इधर जॉब करता हूँ। अच्छा, तो आज इधर आए हुए थे आप किस लिए आए थे? हैप्पी न्यू ईयर इंजॉय करने के लिए। अच्छा, तो कैसा लगा आपने? कैसा आया? बहुत मज़ा आया जी, बहुत मज़ा आया। अच्छा, तो कोई आप पैगाम देना चाहेंगे? पैगाम मैं यही देना चाहूँगा कि 2022 अभी अच्छा गुजरा है, 2023 भी इंशाल्लाह इससे भी अच्छा गुजरेगा, तो एक दूसरे से मिलना जुलना मिले जुलें, जो कोई नाराज़ है उसे सुलह वगैरह करें, बस यही कहना चाहूँगा जी। थैंक यू जी बिलाल भाई जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। क्या नाम है आपका? तैयब नाम है। तैयब भाई, कहाँ से आए हैं आप? मैं पिंडी से, जान पिंडी पिंडी है। अच्छा, तो यहाँ पर आज किस लिए आए हुए थे? मैं ये हैप्पी न्यू ईयर देखने आया था यहाँ पर, मैंने के सुना था यहाँ पर कि बनाएंगे, ऐसे टाइम पास करने आया था, तो यही सी। तो कोई आप नए साल के लिए पैगाम देना चाहेंगे? यही कहूँगे कि भाई अल्लाह को याद रखो, ठीक है, अल्लाह से डरो, तौबा तौबा करो,
ये जो है गुनाह ना करो, एक पाक साफ ज़िंदगी गुजारो, तो एक अच्छी ज़िंदगी गुजारो कि गुनाहों में ना जाओ, एक नेकी करो, ठीक है, तो किसी का हक ना खाओ, एक अच्छी ज़िंदगी गुजारो मुसलमान जो होती है। थैंक यू जी, मेहरबानी, वेलकम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम सर, कैसे हैं जी? ठीक हूँ, क्या नाम है आपका? सर मेरा नाम कदीर है। जी कदीर भाई, कहाँ से आए हैं आप? सर मैं वैसे तो ज़िला हिमेर खान के रहने वाला हूँ, तो इधर मैं भैरे टाउन फेस 8 में रह रहा हूँ, तो आज मुझे बहुत खुशी है कि मैं पाकिस्तान में पैदा हुआ हूँ, पाकिस्तान की सरजमीन पर पैदा हुआ हूँ, तो मैं बहुत खुश हूँ। आप भी सोच रहा हूँ कि मैं, आप भी बहुत खुश होंगे, ये नया साल सबको खुशहाली से लेकर जाए। और आप बता सकते हैं कि आपका 2022 का साल कैसे गुजरा है? तो आने वाले आप 2023 के बारे में क्या ख्याल रखते हैं? सर इंशाल्लाह मुझे तो लग रहा है अल्लाह पाक के फजल करम से ये साल भी हमारे लिए बहुत अच्छा गुजरेगा, तो आपका क्या ख्याल है कि ये साल आपके लिए कैसे गुजरेगा? जी इंशाल्लाह उम्मीद करते हैं अल्लाह पाक से कि बहुत अच्छा गुजरेगा। कोई पैगाम देना चाहेंगे? नहीं सर, पैगाम तो फ़िलहाल कुछ नहीं है, तो इंशाल्लाह अल्लाह पाक इस पाकिस्तान को सही सलामत से अगला साल भी लेकर आए। तो सर थैंक्स। थैंक यू, वेलकम सर। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी बेटा आपका नाम क्या है? माय नेम इज़ इफ्रा। और कहाँ से आई हैं आप? आई एम फ्रॉम पेशावर। वेरी गुड। और किस लिए आप आई थी यहाँ पर? हम छुट्टियाँ मनाने। आज के दिन यहाँ पर आप किस लिए आई थी? हम न्यू ईयर मनाने। अच्छा, देखने। अच्छा, तो कैसा लगा आपको? बहुत अच्छा था, बहुत मज़ा आया, इतने सारे फायरवर्क्स हुए, बहुत एंजॉय किया। वेरी गुड। तो कोई पैगाम देना चाहेंगे आप? नो नो नहीं। ओके थैंक यू, वेलकम। जी नाजरीन हमारे साथ एक नन्ही मुन्नी बहुत प्यारी बच्ची मौजूद है, हम इससे बात करते हैं। जी बेटा अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। क्या नाम है बेटा आपका? माय नेम इज़ मरियम। वेरी गुड। तो कहाँ से आई हैं आप? मैं पाकिस्तान। पाकिस्तान, पाकिस्तान के कौन सी सिटी से आई हैं? बहरिया टाउन। अच्छा बहरिया टाउन से आई हैं। तो यहाँ पर आज आप किस लिए आई हुई थी? न्यू ईयर मनाने, फायरवर्क्स। तो कैसा लगा आपको? बहुत अच्छा। अच्छा इंजॉय किया आपने? वेरी गुड। कोई पैगाम देना चाहेंगी आप किसी को, फ्रेंड को, घर वालों को, किसी को कोई पैगाम देना चाहेंगी? मींस आप किसी को कुछ कहना चाहोगी? वीडियो थैंक्स। ओके थैंक यू। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? अब्दुल कयूम। अच्छा अब्दुल कयूम साहब आप कहाँ से आए हैं? मैं करांची से आया हूँ भाई। वेरी गुड। तो आज आप करांची से किस लिए आए थे? यहाँ भी इंजॉय करने आए थे हम तो। अच्छा आपने इंजॉय किया, किस लिए आए हुए थे, क्यों इंजॉय किया आप? यार इंजॉय तो यार ये लाइटें शाइटें लगी हुई थी, दूसरा के यहाँ पे ले लवी सीरीज ऐसा हो रही है, दिल गार्डन गार्डन हो गया जो बात है। अच्छा अच्छा, तो मतलब आज लाइटें इन्होंने क्यों लगाई हुई थी, किस लिए लगाई थी? ये 14 अगस्त चल रही है मेरे ख्याल में। हाँ 14 अगस्त पे आप आए हुए हैं। अच्छा अच्छा, आपको बताया गया आज 14 अगस्त यहाँ पर हो रहा है। जी जी ऐसा ही है। हाँ तो आपको 14 अगस्त कैसी लगी है? बड़ा अच्छा लगा है, नया हमारे मुल्क नया बर्थडे थी आज, तो केक शेक कटना चाहिए था। अच्छा लोग यहाँ पर हैप्पी न्यू ईयर पर आए थे और आप 14 अगस्त पे आए थे। हैप्पी न्यू ईयर क्या होता है? नया साल होता है। नया साल मुबारक। खैर मुबारक। अच्छा अब आपको पता चल गया? अब पता चल गया। अब आपको पता चला कि ये लाइटें क्यों लगी हुई थी? मैं अभी 14 अगस्त मनाने आया हूँ। अभी भी 14 अगस्त मनाने आए हैं? चले आप 14 अगस्त मनाएं। और कोई पैगाम देना चाहेंगे? 14 अगस्त बड़ी खुशियों से मनाना चाहिए, केक शेक करना चाहिए, और बस और क्या। चले थैंक यू, अल्लाह हाफिज। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? माय नेम इज़ रुस्तमान। अच्छा तो मानूर आप कहाँ से आएंगे? वी केम फ्रॉम रावलपिंडी। वेरी गुड। और यहाँ पर आज आप किस लिए आई थी? वी केम हियर टू सेलिब्रेट न्यू ईयर। अच्छा तो क्या फील किया आपने, कैसा लगा आपको? इट वाज क्वाइट गुड एंड इट वाज अ प्लेजेंट एनवायरनमेंट एंड पीपल वर वेरी एंजॉयिंग एंड वर हैविंग अ नाइस टाइम। तो कोई मैसेज देना चाहेंगी आप? The message from me would be that I hope the upcoming year for everyone becomes very good and very gifting, and I hope everyone becomes more closer to Allah Subhanahu Wa Taala. And thank you so much. Thank you. You're welcome. जी नाज़रीन आपने आज का प्रोग्राम देखा, आपको कैसा लगा अपनी कीमती राह से ज़रूर आगाह कीजिएगा। अगले प्रोग्राम तक के लिए इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।